हाय गाइस, आज मैं आपको ऐसा रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है। आप दाल रोटी बना रहे हो वैसे ही है, लेकिन इसको बस रेसिपी को चेंज कर देनी है। आटा गूंथो, दाल बन गया, अचानक मूड चेंज कर गया, अरे यार रोज़ दाल रोटी सब्जी खा रहे, भुजिया खा रहे, चलो कुछ चेंज कर लेते हैं। बस उसी वक्त आपका मूड चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ सामान तो ये हो जाता है, तो सामान वही रहेगा, रेसिपी आप अलग बना सकते हो, टेस्ट भी अलग हो जाएगा। इसमें इतना हेल्दी है, आप जितना चाहो ये सब्जी भी डाल सकते हो, दाल का भी टेस्ट हो जाएगा, रोटी का भी। तो चलो आज हम दाल वाली फूल दाल में फूल जो फूल से बना होता है ना फ्लावर, उसकी हम दाल पिट्ठी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा, गारंटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आटा गूँथेंगे, इसमें ये हार्ड रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं सॉफ्ट। इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देते हैं, कलौंजी और अजवाइन, ये तीनों चीज़ डाल के अच्छी तरह से आटा गूँथ लेते हैं। दाल तैयार है, आपने दाल तैयार कर लिया उसके बाद भी मूड चेंज कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, दाल वेस्ट नहीं जाएगा, हमने दाल तैयार कर लिया है। हर बार ऐसा होता है, और ख़ासकर हम लोग एकादशी करते हैं तो उस दिन एक होता है ना कि दाल के बिना सुना सुना खाना लगता है, तो क्या खाए, दोनों टाइम चावल नहीं खानी है। तो चलो दाल की हम ये पिट्ठी बना लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसमें सारी सब्जियां रहेगी और दाल भी और रोटी का भी टेस्ट। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने से हम लोग अधिकतर बोर होते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी ये हो जाते हैं, और इतना ये टेस्टी लगेगा कि मैं क्या बताऊँ, कोई वर्ड नहीं है। आप एक बार ट्राई करना ज़रूर, और बरसात हो या ठंडी के मौसम में ना बहुत ये टेस्टी लगेगा। बहुत सारे आप प्याज काट लो, लहसुन काट लो, अदरक ये और ये है धनिया पत्ता, टमाटर, ये सारी चीज़ें काट लो, और दाल में आप लौकी है, मतलब कि जो चीज़ें दाल में हम मिला सकते हैं सब्जियां, वो आप अच्छी तरह से मिला लो, और उसके बाद बनाना, हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम सारी सब्जियां काट लेते हैं, टमाटर भी काट लेंगे एक, आप डायरेक्ट दाल में भी टमाटर डाल के पका सकते हो। बहुत सारा लहसुन डाल देना, अदरक डाल देना, कोई चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें लहसुन और प्याज, अदरक, टमाटर, धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटियां बनाने का मन नहीं करता है, रोटी बेलो फिर पकाओ, चलो भाई रोटी का काम हो जाएगा, बैठ गए, मतलब कि इसको फ्लावर का शेप नहीं देना चाहते तो दूसरा भी शेप दे सकते हो, लेकिन ये फ्लावर का बहुत ही इजीली है, बिना बेले भी फ्लावर का शेप बन सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये फ्लावर का शेप बन जाएगा। हमें रोटी बेलने का कोई झंझट नहीं रहेगा, शेक को दाल चढ़ा दो, बैठ जाओ, कोई काम करो अपना, हवा खाओ पंखे की, और उसके बाद बैठ के हम, ज़रूरी नहीं है कि चूल्हे के पास ही रोटी बेले, बहुत सारा ले लिए, पका बना लिए और उसको डाल दिए, अपना पकते रहा। इससे हमें एक बेनिफिट हो गई, इस तरह से फ्लावर बहुत इजी तरह से बन गया। ये जब तक हमारा फ्लावर बन रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके और चटपटा, एकदम मसालेदार आपको तैयार होगा, और लाइक ज़रूर कर देना आप कि कैसा है ये, बहुत ही इजी तरीके से बना है। चीज़ें वही यूज़ करते हैं जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, बस तरीका अलग है और टेस्ट, अगर तरीका अलग है तो टेस्ट भी अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारे फ्लावर्स बन गए हैं, दाल तैयार है, अब हमें तड़का लगानी है, सारी सब्जियां भी कट चुकी है, तो हमने ले लिया है तेल, और ये डाल दिया है जीरा, मिर्ची और तेज़पत्ता, थोड़ा ज़्यादा जीरा डालना, दालों में जीरा ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज लहसुन डाल के इसको ब्राउन होने तक हम
भून लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ गरम मसाला, टमाटर, ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पड़ा हुआ है हमारी दाल में, नमक भी पड़ा हुआ है, आपको कम लगेगा तो ऊपर से सब्जियाँ रहेगा तो डाल सकते हो। अब हम दाल इसको डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें गाढ़ा हुआ है पानी डाल देते हैं क्योंकि फ्लावर को हमें इसमें पकानी है। देख कर ही लग रहा है ना कितना कलरफुल टेस्टी ये और भी बन सकता है, और भी बहुत सारी सब्जी आप डाल सकते हो और हेल्दी भी बहुत ही है ये। अब कोई झंझट नहीं है, बैठे बैठे हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। फ्लावर को हम डाल देंगे, थोड़े पानी डाल के और इसको ढक करके फ्लेम को कम करके हम पका देते हैं। कोई झंझट नहीं करना है अब, और गर्मा गर्म परोस देंगे। इसके साथ आप दो दो चम्मच घी डाल दो, बहुत ही टेस्टी लगेगा इसके साथ घी। आप घी में तड़का डालो, घी ऊपर से डालो, इतना हेल्दी ये खाना हो गया और कोई झंझट नहीं है। इसके जैसा तो कोई खाना हो ही नहीं सकता है हेल्दी। दाल सब्जी एक साथ, ऊपर से धनिए से हम टॉपिंग कर देंगे। हमारा तैयार है ये दाल वाली पिट्ठी फ्लावर की। चलो हम लोग गर्मा गर्म इसके साथ अचार आप दे सकते हो, दही वाला रायता, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। शर्करा हम दही वाला रायता, अचार और घी तो इसमें डालना ही है। चलो एंजॉय करते हैं।